अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा के साथ करने के बाद जब मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आज मौसम काफी ठंडा हो रखा होता है और साथ में हल्की बारिश भी, मगर फिर भी मैं जल्दी नहाकर, क्या बोला तूने? वही जो आपने सुना, मैं अपने आलस से डिवोर्स के केस में रफ्तार बढ़ाकर फिर से चल देता हूँ रनिंग शूज खरीदने सीएचडी कैंटीन। इस बार जूते लेके आना। कोशिश तो पूरी होती है और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी रनिंग शूज खरीदने हेतु गुड लक बोलते हैं। सीएचडी से ताऊजी बैग लेते हैं और मैं अपने जूतों की खोज में भटकने लग जाता हूँ। तमाम भटकने के बाद मेरे हाथ से मुझे निराशा मिलती है, मगर मैं इतनी जल्दी हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए मैं जल्दी से दूसरी कैंटीन पहुंचता हूं। और अच्छी बात है कि ये ओपन है। बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ मोजे मिल जाते हैं, मगर फिर भी जूते नहीं मिलते। क्या मतलब, एनर्जी ड्रिंक सही में इंपॉर्टेंट होती है? जूते ना मिलने पर मैं अपना हताशी और निराशी से भरा चेहरा लेकर मुस्कान की खोज में निकल पड़ता हूं, मगर यहाँ ताऊजी और पिताजी अपनी मुस्कान को बरकरार रखने के चक्कर में ब्लेजर खरीदने आ जाते हैं। खैर, मेरी मुस्कान तो मेरे जूते मिलने के बाद ही आएगी, तब तक अपने चेहरे पर समाई छाया के साथ ही घूमना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर मुझे खुशी ना मिली तो क्यों ना दूसरों में बांट दूं। मेरा मतलब चॉकलेट बांटकर दिल में उमंग का दिया जला लेता हूं, मगर मेरी बहन तो अभी फ्लाइट बोर्ड में पड़ी है, साथ में साइलेंट भी। जिस तरह मैं चॉकलेट बांटना जानता हूँ, उसी तरह मैं अपना हिस्सा भी मांगना जानता हूँ। ये गलती महंगी पड़ी, कैसे नेक्स्ट पार्ट में देखें।